शेर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, एक बहुत ही मशहूर शेर है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और ये शेर मैंने कई दफा पढ़ा, कई दफा सुना, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेनिंग में 18th लोकसभा 2024 के इलेक्शन कैंपेनिंग में मैंने अपनी आंखों से देखा। क्योंकि जब हमने हमारा कैंपेनिंग चालू किए थे 30 अप्रैल 2024, तो उस वक्त बिगिनिंग में मैं थोड़ा नर्वस था, जरा शर्मिलापन था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और हमारा काफिला बढ़ता गया, और जैसे जैसे हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके रूबरू लोगों से मिले, वहां के रहने वालों से मिले, वहां के दुकानदारों से मिले, वहां के राहगीर से मिले, और हमने जब अपना इंट्रोडक्शन दिए, तो यकीन मानो हर जगह से मुझे एश्योरेंस मिला, प्यार मिला, ब्लेसिंग मिला। मैं हिंदू भाइयों से भी मिला, मुस्लिम भाइयों से भी मिला, अदर कास्ट वालों से भी मिला, और किसी ने ऐसा नाराजगी का इजहार नहीं किया, एश्योरेंस दिए हम आपके साथ है। तो देख लीजिए, मैंने कहा ना जो ये शेर है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये 20 दिन की कैंपेनिंग में हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिली, हमारा हौसला बढ़ा, और जब हम ये लोकसभा का जो 6 विधानसभा जिसके अंदर आते हैं, हमने इतना बड़ा रकबा कवर किया, तो मुझे आने वाले जो विधानसभा का इलेक्शन है जिसमें मुंबई की 6 सीट है, तो मुझे तो वो बौने लग रहे, छोटे छोटे लग रहे। वहां पे मुझे कैंपेनिंग करना, जैसा अगर 184 बाइकल्ला हो गया, या 185 मलबार हिल हो गया, या 186 मुंबा देवी हो गया, या 187 कुलाबा हो गया, ये मुझे वो छोटे छोटे से लग रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में मैं पूरा साफ कर लूंगा। और आने वाले विधानसभा में हम बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन ये जो लोकसभा की हमने मेहनत की, तो अब ये आप लोगों के हाथ में, क्योंकि आप यहाँ के वोटर्स है। आप लोगों ने हमारे जो वीडियोस बनाए, हमने 50 वीडियो बनाए 20 दिन में, आपने बहुत ज्यादा पसंद किए, उसकी म्यूजिक, उसकी स्टाइल, उसकी एडिटिंग बहुत ज्यादा पसंद किए, और कई लोगों को भी हमने उसमें कवर किया जिनसे हम रूबरू मिले थे, तो उन्होंने भी देखे, उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इस तरीके से पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई एम पॉलिटिकल पार्टी की, इन शॉर्ट ACPP, और मोहम्मद नईम शेख की भी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। मगर ये जो भी 288 सीट से विधानसभा की महाराष्ट्र में, जिसमें से कम 200 सीट पे अपनी किस्मत आजमाएंगे, और मुंबई की जो 6 सीट है, तो मैं इंकरेज करना चाहूंगा देश के, स्टेट के, महाराष्ट्र के नौजवानों को कि आप अभी अपनी कमर कस लो। आने वाले इलेक्शन में दूसरों के पीछे झंडी हिलाते हुए, स्लोगन लगाते हुए, कुर्सी बिछाते हुए, पानी बांटते हुए, वो सब छोड़ो, अब खुद अपना धंधा चालू करो, अपना बिजनेस चालू करो। जिस तरीके से पढ़ाई के बाद आप करते, तो अगर आप पढ़े लिखे, आपको पॉलिटिक्स में मेहनत, लगन है, इंटरेस्ट है, और मेहनत कर सकते हो, तो आइए, मोहम्मद नईम शेख आपको एम पॉलिटिकल पार्टी की टिकट देगा। टिकट क्या रहती है, फॉर्म सेम रहता है इंडिपेंडेंट का भी, पॉलिटिकल पार्टी का भी, खाली उसमें रहता है जो पार्टी का हेड है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वो AB फॉर्म देते हैं। मैं अभी देता हूँ आपको AB फॉर्म, नवंबर का फॉर्म मैं अभी देता हूँ, आओ, शर्मा उमर, झिझको उमर, बड़े बड़े नेताओं के तलवे मत चाटो, खुद नेता बनो, खुद में अपना शौर पैदा करो। और जैसा कि कल 28 मई मंडे 2024 फिफ्थ एक्स का जो वोटिंग है लोकसभा इलेक्शन का मुंबई में, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, और हमारी जो पार्टी है एम पॉलिटिकल पार्टी, जिसकी निशानी है बैटरी टॉर्च, जो EVM के सीरियल नंबर 5 पे है, बढ़ चढ़ के वोट दो। हमारा टारगेट है 50,000 वोट पाने का, और अगर आपका समर्थन रहा तो कोई हमें रोक नहीं सकता 50,000 वोट पाने से। और ये 50,000 वोट हमको मिले, तो ये समझ लेना, ना सिर्फ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, उद्धव बाला साहब ठाकरे, और ना जाने कितने टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन वाकिफ हो जाएंगे मोहम्मद नईम शेख से, एम पॉलिटिकल पार्टी से। और आपकी जो तकलीफात थे, जो भी तकलीफात है, जो भी प्रॉब्लम है, मेरे एक रिकमेंडेशन से वो सॉल्व हो जाएंगी, ये मैं आपको फुल एश्योरेंस देता हूँ। खुदा हाफिज़।